हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएड हरियाणा के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन लेकर लगातार आपके पास में आते रहते हैं। हम आपको हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन बार बार लगातार लेकर आते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2022 से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी बीएड की दौड़ में शामिल हो गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसी है ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पूरी डिटेल्स लेकर हम आपके पास में आज आ गए हैं। माय फ्रेंड्स, ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सन 2017 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। पहले हरियाणा में सिर्फ दो मेन यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जो कि बीएड के कोर्स करवाती थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू रोहतक। समय के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, वैसे वैसे और भी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिलते चले गए। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार को अप्रूवल मिला, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद को अप्रूवल मिला, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर को भी अप्रूवल मिला। सन 2017 में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई एज ए गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के रूप में। गुरुग्राम के अंदर काफी हाईटेक यूनिवर्सिटी है। माय फ्रेंड्स, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आज की डेट में एनसीआर की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है और हरियाणा की भी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है। बात करते हैं कि क्या इसकी बीएड एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं। तो माय फ्रेंड्स, दिक्कत लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सभी एनसीटीई अप्रूव्ड है, यानी कि वैलिड है हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेटर हैं बीएड के अंदर हरियाणा में। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट हैं। जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कॉलेज हैं वो सारे के सारे एनसीटी अप्रूव्ड हैं, चाहे वो एमडीयू है, चाहे वो केयूके है, चाहे वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर है, चाहे वो सीआरएसयू है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी के कॉलेजेस जो हैं एनसीटी अप्रूव्ड है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज वैलिड हैं, सभी के कॉलेज वैलिड हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी उतनी ही वैलिड है जितनी एमडीयू वैलिड है या फिर जितनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वैलिड है। माय फ्रेंड्स, हरियाणा में हर साल हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं। हरियाणा में सिर्फ हरियाणा के ही नहीं, अदर स्टेट्स के भी, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से हजारों बच्चे आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हरियाणा में एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। हरियाणा में जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है। सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है। अगर हम बाहर के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान की तरफ से आ रहा है तो उसको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी या फिर सीआरएसयू नजदीक पड़ती है तो उसको उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बिहार की तरफ से आ रहा है तो मैक्सिमम बिहार की ट्रेन दिल्ली तक आती हैं, तो दिल्ली के पास में गुड़गांव पड़ता है, तो बिहार के स्टूडेंट्स को या फिर यूपी के स्टूडेंट्स को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ज्यादा नजदीक पड़ती है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ या फिर हिमाचल की तरफ से आ रहे हैं उनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नजदीक पड़ती है, उनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो अपनी लोकेशन के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज करें। यूनिवर्सिटी सभी बराबर है, सभी गवर्नमेंट जॉब्स में वैलिड है, कहीं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस लगातार लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।